घर में घुसकर रुपया पैसा सोने चांदी के जेवरात चोरी हो जाने की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। मामला मऊरानीपुर के ग्राम कंजा चितावत निवासी सिमरा बाली पत्नी लक्ष्मी रेखवार ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि शुक्रवार की रात्रि घर पर सो रही थी, तभी देर रात ने पड़ोसी ही मेरी समाज का एक लड़का और 3 अज्ञात लोग मेरे घर में घुस आए, जिनमें से एक चोर को पहचानती हुई मेरी मारपीट भी की। मेरी पुत्री ने रात में ही PRV डायल को फोन लगाया और उसने अपने साथियों सहित सोने चांदी के आभूषण और 45,000 रुपए चोरी कर ले गए। सिमरा वाली, क्या समस्या हुई आपकी? हमारे घर में रात में हमारे पति थे नहीं, हम माँ बेटी घर में लेटे थे तो हमारे घर का दूसरे कमरे का तारा काटा इन लोग ने। 4 लोग थे, एक को पहचान लिया प्रमोद नाम है, 3 को नहीं पहचान पाया। जब पहचान लिया तो हमने वहाँ से देखा गेट से खिड़की जंगले से, हम अंधा से बाहर निकले, इन लोगों ने हमें भी खींच के लातों घूसों से मारपीट की। मारा पीटी करते हुए एक साइकिल रखी थी वहाँ पर, हमने उस साइकिल में लात दी तो हमारी लड़की उठ गई। लड़की उठी तो लड़की ने छत पर चढ़ी, छत पर उसने जीना भी खींच लिया, नसैनी लगी है बांस की, तो उस खींच के उसने वहीं से 111 पे 112 पे कॉल की। कॉल की तो इसने एक मल वो कर दो, फेर भी कर दो, कट्टा लिए थे साथ में, फेर भी करा, बोले माधा चौधरी यहीं मार दूंगी, मार दूंगी। इन्हें हमारे गर्दन पर प्रमोद देखा चीना और 3 लोग को नहीं पहचान पाया क्या कौन थे जी। और इसके बाद में सवेरे जब हम लोग ने शाम के पुलिस बुला ली, सब जांच हुई, बिडगो बनी, हर चीज़ हुआ वहाँ का पूरा प्रूफ अभी भी डला है, अभी भी हमने समाटा नहीं है। बक्से का ताला काटा इनने और गेट का ताला काटा, पूरा पूरे बक्से फैले डरे, उसमें बहुत सारी चीज़ें और रुपये थे 46,000। कहाँ पर आई थी? अभी हम मऊरानीपुर थाने में आए थे। क्या कहा थाने वाले ने? थाने वाले ने ये कही कि 24 घंटे में गिरफ्तार होएगा। अगर गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे।